बच्चों की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने और उनके नवाचारों को मूर्त रूप देने के लिए शुरू की गई अटल टिकरिंग योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं ग्वालियर से हमारी ये खास रिपोर्ट। बच्चों की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने और उनके नवाचारों को मूर्त रूप देने के लिए शुरू की गई अटल टिंकरिंग योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। नीति आयोग द्वारा शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना का उद्देश्य बच्चों को नए जमाने की तकनीक से आधुनिक उपकरण बनाने की ट्रेनिंग देना है। बच्चों में नवाचार और उनकी कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए DPS ग्वालियर में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई। इस लैब में स्कूली छात्रों की सोच और आइडियाज साकार रूप से सामने आ रहे हैं। हमारे स्कूल में ATL लैब बनी है, अटल टिंकरिंग लैब। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे प्रैक्टिकल करने को मिला। मेरा बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि मैं बहुत कुछ बनाऊं, बहुत कुछ सीखूं। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा सामान मिला, इससे मैंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए और इससे हमें बहुत सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कैसे क्या बनाते हैं, कैसे काम करते हैं चीज़ों पे और कैसे तरीके से अपने मॉडल को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा इससे मुझे पढ़ाई में भी बहुत असर हुआ। जैसे मुझे प्रैक्टिकल्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और मैंने हर तरीके से, मतलब प्रैक्टिकल्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जितना मैंने थ्योरी को दिया। अटल टिंकरिंग लैब हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसने हमारी पढ़ाई पे हमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का मदद करी है और हम इससे प्रैक्टिकल करके अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर देते हैं, तो हमको बहुत मदद जाती है। पहले मैं पढ़ाई में कमज़ोर था और जो मैथमेटिक्स होती है उससे डरता था, पर जब से ATL लैब स्कूल में बना है तो उससे मेरी पढ़ाई भी इंक्रीज़ हुई है और अच्छे मार्क्स भी आने लगे हैं, और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। ATL से पहले हम स्कूल में रहते थे, ज़्यादा जाते नहीं थे बाहर क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिलता था। फिर जैसे ATL बना वैसे हम WRO में गए, वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड, ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमने अपने रोबोट्स बना के वहाँ पे उनको दिखाया। ये नेशनल लेवल की चैंपियनशिप है जहाँ पे DPS को भी चुना गया था। अटल टिंकरिंग लैब में छात्रों के लिए 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, संवेदी प्रौद्योगिक किट, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं जिनका उपयोग कर बच्चे अपने आइडिया साकार कर रहे हैं। इस लैब को स्थापित करने के लिए नीति आयोग की तरफ से आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसी योजना सरकार ने चलाई है जो कि स्कूलों को, अगर हम इनोवेशन की बात करें जैसे टिंकरिंग से जो यहाँ पर इसका मतलब बैठता है, उससे बच्चों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि अभी समय वो नहीं रहा है कि किताब से बच्चा पढ़े और फिर आगे अपने जीवन में उसी किताब से जो भी कुछ होगा उसका काम चल पाएगा। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कुछ नया सीखें, नया करें, जो कि क्रिएटिव हो, जो कि कुछ ऐसा हो जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आगे जाकर किसी तरह से फ़ायदेमंद हो सके। तो अटल टिंकरिंग लैब में उन लोगों को ऐसा सारा इक्विपमेंट, सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं जिससे वो साइंस से रिलेटेड डिफरेंट इनोवेशन अपने ट्राई कर सकते हैं, अपने प्रोटोटाइप्स और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जिसको आगे जाकर एक अच्छी तरीके से, अगर उसका हम देखें समाज के लिए अगर उसका कोई अच्छा प्रयोग हो सके तो उनको हम फिर एक प्रॉपर चीज के जैसे आगे डेवलप भी किया जा सकता है, इनोवेशन जैसे सामने लाया जा सकता है। ये पूरा ही प्रोजेक्ट नीति आयोग द्वारा, सरकार द्वारा फंडेड है। इसमें जितने भी हमारे को अभी तक जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा उस ही राशि से हुआ है जो हमें नीति आयोग की तरफ से मिली थी, और वो राशि अपने आप में काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है जिससे हम पूरा सेटअप कर सकते हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं वो खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि जो हमारा इंचार्ज है वो भी अगर ट्रेनिंग पर जाता है तो वो भी उसके अंदर हम इंक्लूड होता है उसमें, साथ में उसको सेटअप करना, उसमें यहाँ तक कि लैपटॉप्स खरीदना, उसके इक्विपमेंट्स जो कुछ आए हैं उनकी अगर रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, वो जितना भी कुछ उसमें सेटअप करने में होता है, हमें सिर्फ एक अच्छा कमरा और हमारा एक टीचर जो कि हम प्रशिक्षण के लिए आगे भेज सके वो चाहिए होता है। अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना का उद्देश्य छात्रों के कौशल विकास में विस्तार करना और उनके कल्पना सागर को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना है। इस लैब के माध्यम से होनहार स्कूली बच्चे अपने आइडियाज को आकार देकर
कई प्रकार के नए नए मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिससे उनके मनोबल में खासी वृद्धि देखी जा रही है। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।